अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया होंगे, फिट फाट होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा हटके है। मुंबई और ढाका को जो है ना वो कंपेयर किया जाएगा, हाय मतलब हाय एक हाय साइड हाय, पे मुंबई की स्क्रीन चलेगी, एक वाह जी साइड पे वाह, ढाका की चलेगी। ढाका और तो मुंबई सबसे पहले फर्स्ट एवर हाँ सप्लिट स्क्रीन कंपैरिजन देखने वाले तो करते हैं स्क्रीन स्टार्ट। कंपैरिजन, ओके। ऊपर ढाका, नीचे ढाका बांग्लादेश, लोअर प्रयाग। जब ऐसा वीडियो हम फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं ना। नीचे वाला मुंबई का रिचेस्ट एरिया, ढाका का रिचेस्ट एरिया। जब वो साथ बता ही रहे हैं गुलशन बानी। ये वो आ गया जिसको कहते हैं मिनी यूरोप वाला, आ गया ना सर, मिनी यूरोप वाला एरिया आ गया बांग्लादेश का। बांग्लादेश मुंबई इंडिया, अच्छा बिल्डिंग दोनों की काफी बड़ी है, लेकिन एक चीज है ग्रीनरी के लिहाज से ढाका ढाका वहाँ पर मुंबई के तरह मुंबई में भी आ रहे हैं, पर मुंबई की इतनी नहीं, ग्रीन नहीं है ना वो, जैसे मुरझाई मुरझाई सी लग रही है उनकी, यह हरियाली हरियाली है। Thank you.
कैसा लगा फिर? बहुत जबरदस्त। रेड वाली गाड़ी क्या इसके नीचे आना तुमने? अच्छा ऐसा वीडियो हमने फर्स्ट टाइम देखा स्क्रीन पर यार, वो लग रहा था ढाका ढाका जो था ये थोड़ा जरा मुझे नीट एंड क्लीन लगा, ग्रीन ज्यादा लगा। नहीं ग्रीन उधर भी आ रहे थे दरख्त, वहां पर भी आ रहे थे, पर कोई शक नहीं है कि ढाका बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है, ये खूबसूरत है, पर ये कि मुंबई में भी दरख्त वगैरह आ रहे थे, ग्रीनरी आ रही थी, लेकिन वो उनकी ज्यादा नीट एंड क्लीन आ रही थी, ज्यादा ढाका की ज्यादा वो ऐसे लग रहा था जैसे नेचुरल ब्यूटी है, ये लग रहा था जैसे कोई आर्टिफिशियल सी चीज है, डल जैसे मिट्टी पड़ी होती है, डल डल सी चीज होती है वो लग रही है, या कोई वेदर का इस तरह का हो सकता है कि उनका वेदर ज्यादा अच्छा है। वेदर तो रहता ही हर टाइम बादल रहते हैं, बारिशें होती आती हैं, और बिल्डिंग्स भी बहुत है मतलब कि ढाका में, और बिल्डिंग के ऊपर भी ग्रीनरी आपको नजर आएगी वहां पर, हर जगह पे आपको इस तरह उन्होंने साफ किया। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखा जाए वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।